केसर का अंडा। सुबह होते ही रामेश्वर शहर जाने के लिए तैयार हुआ और कहा, अरे छोटू, मैं शहर जा रहा हूँ, उधर थोड़ा काम आया, वो होते ही जल्दी लौटाऊंगा। वापस आते समय मैं तेरे लिए तरह तरह के आहार लाऊंगा, तब तक ना तू अंदर ही रह, कहीं बाहर मत जा और नए लोगों से सावधान, बोलकर डायनासोर को सतर्क करके रामेश्वर शहर के लिए निकल पड़ा। ये सब घर के बाहर ही खड़े भीमेश ने सुना और बोला, रामेश्वर तो शहर जा रहा है, इसका मतलब अब ये शाम तक नहीं लौटेगा और तब तक मुझे इस छोटू की खबर लेना होगा। लेकिन जब वो अंडा था तभी मेरा हाल बेहाल कर दिया, इसीलिए तो मुझे जो भी सोचूं और करूं बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी देर बहुत सोच विचार करके भीमेश एक निर्णय पर पहुंचा। यस, उसे ना मैं एक केक में नशीली दवा मिलाकर खिलाऊंगा, फिर उसके बेहोश होने के बाद डायनासोर को दो आदमियों के मदद से जंगल ले जाकर छोड़ना या कुछ और करना सोचूंगा, करके निर्णय किया। ऐसे जल्दी से केक तैयार करके उसमें नशीली दवा मिलाया। भीमेश उस केक को लेकर डायनासोर के पास पहुंचा। हेलो रे छोटू, हैप्पी बर्थडे, तेरे बारे में मेरे दोस्त रामेश्वर से सुन के तेरे लिए केक लाया हूँ, बोलकर केक दिखाया। उस केक को देखते ही डायनासोर खुशी से उछल पड़ा। अरे छोटू, ये पूरा तेरे लिए ही तो है, चल खा ले, करके बोलते हुए और पूरा केक एक ही बार में डायनासोर खा गया। थोड़ी देर भीमेश ने अच्छा बनने का नाटक किया और थोड़ी ही देर में डायनासोर बेहोश होकर गिर पड़ा। सब कुछ उसके चाल के मुताबिक ही होने पर भीमेश ने जोर से सीटी मारी। वह सुनते ही बाहर के दो आदमी रस्सी लेकर अंदर गए। भीमेश और उसके आदमी मिलकर छोटू को रस्सी से बांधने की कोशिश करते रहे। इतने में अचानक डायनासोर चिल्लाता हुआ एकदम से उठ गया और मुंह से केक को बाहर निकाल कर फेंका। ये सब देख भीमेश चौंक गया। बाप रे बाप, केक को चबाकर खाने के बजाय इसने होशियारी से मुंह में ही रखा, इसमें भी उस रामेश्वर की बुद्धि ही आई। डायनासोर जोर से चिल्लाता हुआ भीमेश और उसके दो आदमियों को हवा में उछल उछल कर बहुत पीटा। छोटू की पीठ ना सह पाते हुए तीनों उधर से भाग गए। बंदर के मुसीबतें। एक बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल का महाराज था शेर। एक दिन महाराज शेर जंगल के सभी जानवरों से बातचीत करने लगा। तभी उधर पहुंचने वाली शरारती बंदर ने कहा, क्या है यार आपका प्रशासन, मेले में जाना मना करते हैं, नाचना मना करते हैं, गाने के लिए मना करते हैं, ऊपर से पेड़ के डालों को तोड़ने नहीं देते, ये कहा कि राज्य पालन है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। गुस्से से आग बबूला होकर महाराज शेर गरज उठे और बोले, लगता है ये बंदर सुबह सुबह भांग पी के आया है, जो मर्जी बोल रहा है, इसे ले जाकर उस खराब कुएं में फेंक कर 10 दिनों के लिए बंद कर दो और भोजन 2 दिनों में एक बार देना। महाराज के मुताबिक ही उसके दोनों के हाथ पैरों को पकड़ कर कुएं में फेंक दिया बालू और सैनिक। 10 दिनों के बाद बंदर को कुएं में से निकाल के छोड़ दिया गया। कुएं में से निकलने वाला बंदर शेर की शबाशी पाने के लिए शेर की राज्य पालन ऐसे ही बना रहे, उनका प्रशासन ऐसा ही रहे, बोलते हुए पूरे जंगल में घूम रहा था। फिर से बंदर को भालू और सैनिकों ने कुएं में फेंक दिया। बंदर ने कहा, क्या होता है, तब मैंने शेर के खिलाफ बोलने के लिए सजा काटा, अब मैं उनके साथ हूँ ना, तो फिर से तुम लोग आके इस तरह मुझे पुराने कुएं में फेंक रहे हो क्यों, करके चौंकते हुए पूछा बंदर। बेवकूफ बंदर, अभी इस जंगल का राजा शेर नहीं बल्कि शेर का दुश्मन भाग है और तुमने भाग राजा के दुश्मन शेर का ही साथ दिया, इसीलिए तुम्हें फिर से वही दंड मिला, बोला भालू। महाराज के खिलाफ था तभी सजा और महाराज के साथ हूँ तो भी सजा, बोल
बोला बंदर। तब वहाँ आने वाले तोते ने कहा, समय और जगह देखे बिना दूसरों के निर्णय में घुसे तो ऐसे ही अपना ही नुकसान होगा। तब बंदर समझ गया और बोला, सच में जो चीज हमसे जुड़ा नहीं है उनमें हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। असली चोर कौन? अकबर बीरबल की कहानियाँ। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसने अपने व्यापार में मदद के लिए एक काम वाले को रख लिया। मालिक का हर काम करते हुए उस काम वाले ने भरोसा कमा लिया। ऐसे एक दिन उस व्यापारी को काम से शहर जाना पड़ा। इससे व्यापार की जिम्मेदारी उस भरोसेमंद काम वाले को सौंपकर वह शहर जाने लगा। अपने मालिक के जाते ही तुरंत वह काम वाले ने घर के सारे धन जेवर और पैसों को पोटली में बांधकर भाग गया। फिर शहर से लौटने वाले व्यापारी घर खुला देख चौंक गया। यह काम उस काम वाले का ही होगा सोचकर सारे जगहों में ढूंढने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ दिनों के बाद शहर जाने वाले व्यापारी को बाजार में घूमता हुआ काम वाला दिखा। उस काम वाले ने भी अपने मालिक को देखा और वहाँ से बच के निकलना मुश्किल है समझकर तुरंत उस व्यापारी को कष्ट के पकड़ लिया। आखिरकार तू इतने समय पर मिल ही गया ना, अब कहाँ भागेगा रे? चोरी करेगा तो मैं चुपचाप छोड़ेगा सोचे क्या? शराफत से अपुन के पैसे और जेवर वापस दे दे। बोलते हुए जोर से चिल्लाने लगा। इससे व्यापारी अचानक चौंक गया और कहा, मैं चोरी क्यों करूंगा? अगर तूने तुरंत मेरे पैसे और जेवर नहीं दिए तो राज्य के सैनिकों के हवाले कर दूंगा। मेरे धन को चोरी करके मुझे ही सैनिकों के हवाले करने के धमकी देता है रे? बोलते हुए काम वाला उस पर छेड़ रहा था। ऐसे व्यापारी और काम वाले के झगड़ा करने पर बाजार के सारे बड़े वहाँ उन्हें घेरे। लेकिन उन दोनों में कौन चोर है और कौन मालिक पता नहीं चल रहा था। दोनों को इंसाफ दिलाने के लिए महाराजा जी अकबर के दरबार में ले गए। सभा में सारे बड़े उपस्थित थे। अकबर और बीरबल के सामने उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। मैं एक व्यापारी हूँ, ये मेरे पास काम करता था। एक दिन मुझे शहर जाना पड़ा तो मैं अपने व्यापार की जिम्मेदारी इसे सौंप कर गया। मेरे वापस आने तक इसने मेरे पैसे और जेवरों को चोरी करके भाग गया। फिर से अभी दिखा, मुझे मेरे धन को वापस दिलाओ महाराज, मालिक ने कहा। फिर काम वाले ने कहा, महाराजा जी को मेरा प्रणाम। ये सच को छुपा कर उल्टा सीधा कह रहा है, यही तो मेरे पास काम करता था। मेरे घर में ना होते समय अच्छा सा मौका देख मेरे पैसे और जेवरों को चोरी कर लिया। अब मैंने इसे पकड़ कर पूछा तो मुझे ही चोर बना रहा है। मेरे धन को मुझे वापस दिलाओ महाराज, बोलकर काम वाले ने भाते बनाए। सभा में सबको दोनों की बात सही लगी। यदि अगर अभी इंसाफ गलत हुआ तो एक ही व्यक्ति का दो बार नुकसान होगा। लेकिन इनमें से असल में चोरी किसने की करके सारे सोच में पड़ गए। बीरबल ने एक सैनिक को बुलाकर दोनों को ले जाकर फांसी के फंदे के पास खड़ा करने को कहा। फिर उन दोनों का सिर फंदे में रखवाया। अब मेरे कहे हुए काम वाले का सिर काट डालो, करके बीरबल के बोलते ही तुरंत सच्चा काम वाला डर से अपने सिर को निकाल दिया। इस तरह चोर की चोरी पकड़ी गई। उससे पैसे और जेवरों को लेकर व्यापारी को देते हैं। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उस काम वाले को कठिन सजा सुनाया। समय रहते ही चोर की चोरी पकड़ने वाले बीरबल की सभी ने तारीफ की। इस कहानी की सीख है कि धोखा किसी ना किसी दिन तो सामने आएगा ही।